हेलो एवरीवन मैं आपके साथ मनोज वर्मा एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि चार्टिंग से ऑटोमेशन ट्रेडिंग कैसे करें लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी एंजल ब्रोकिंग के ऊपर जब मैंने एक अपडेट करा था तो इसलिए मेरे को वीडियो बनानी पड़ी और अभी भी मैंने कुछ टू एंड थ्री वीक पहले मैंने एक अपडेट कराया एंड लोगों को उस अपडेट का पता नहीं उस अपडेट के काफ़ी फीडबैक आ रहे थे तो उस फीडबैक को मैंने एज अ अपडेट दिया है चार्टिंग पे तो उस अपडेट के बारे में भी बताऊंगा साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरी वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आपको है ना प्रॉब्लम होगी चीज़ों को समझने में उसके अंदर मैंने क्वांटिटी का फीचर बता रखा है कि आप डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी अलग अलग स्टॉक पर कैसे लें तो उस वीडियो को जरूर देख लेना डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा अभी आता हूँ मैं अपने टॉपिक पे तो सबसे पहले चलते हैं हम नेक्स्ट लेवल बोर्ड पर और जितने भी ब्रोकर हम सपोर्ट करते हैं उनके साथ आप चार्ट से भी ऑटोमेशन ट्रेडिंग कर सकते हो और आप ट्रेडिंग व्यू से भी कर सकते हो तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं मुझे चार्टिंग की ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैंने पहले से प्री सेट कर रखा है अगर आपको चार्टिंग की नॉलेज है देन आप चार्टिंग पे चार्टिंग से ऑटोमेशन ट्रेडिंग कर सकते हो जो चार्टिंग स्कैनर है तो सबसे पहले तो आपको आना है यहाँ पर नेक्स्ट लेवल बोर्ड वेबसाइट पर उसके बाद आपको लॉग कर लेना है लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड दिखेगा आपको इसे ओपन कर लेना है जैसे आप ओपन करोगे आपके सामने ये जो ब्रोकर हम सपोर्ट करते हैं वो सारे ब्रोकर आपको दिखेंगे तो आपको क्या करना है आपको जाना है लॉग एंड फ्यूचर में एंड यहाँ पर ये चार्टिंग एल्गो लिखा आपको इस पर क्लिक कर लेना है मैं आपके सामने न्यू टैप पर खोल देता हूँ ये मैंने चार्टिंग एल्गो खोल दिया अब मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो मेन कॉन्सेप्ट है मेन कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर तीन टेबल है पहली टेबल है स्टॉक लिस्ट सेकंड टेबल है एड सेंटिक थर्ड टेबल है रिस्पॉन्स तो ये दो जो फर्स्ट और सेकंड टेबल है ये तो हमें खुद फील करनी होती है जो थर्ड वन है ये चार्टिंग से रिस्पांस आता है जो भी हम स्कैनर में लगाते हैं वहाँ से एक रिस्पांस आता है उन पर ऑर्डर लगते हैं अब मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एज एग्जाम्पल मैंने निफ्टी फिफ्टी की वॉच लिस्ट लगा दी इस स्कैनर पे चार्टिंग पे और उसमें से पांच सिंबल आए अगर वो मेरी इस वॉच लिस्ट में इस स्टॉक लिस्ट में हैं वो पांच सिंबल स्कैनर ने जो मुझे सेंड करें तो मैं उन पे ऑर्डर ऑटोमेटिक लगा दूँगा आपका पीसी ऑन हो ऑफ हो डजन मैटर बस आपको मॉर्निंग में एक बार एपीआई कनेक्ट करनी होती है देन आपका पीसी ऑटोमेटिक ऑर्डर लगा देगा एंड बट uh, uh, मतलब आपका जो मतलब बैकेंड uh, में चल रहा होगा पी सी ऑन ऑफ और डजेंट मैटर तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक लग जाएगा बट वो वॉच लिस्ट यहाँ होनी चाहिए सपोज़ मानो वहाँ से चार्टिंग ने फिफ्टी जो निफ्टी फिफ्टी स्टॉक लिस्ट है उसमें से पाँच सिम्बल भेजिए पर उसमें से मेरे पास यहाँ पर तीन ही हैं तो उन तीन में ऑर्डर ही जाएंगे बाकी दो में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर वो वॉच लिस्ट ऐड नहीं करी जो हमारी स्टॉक लिस्ट होती है तो कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ कि सब ब्रोकर का एक ही कॉन्सेप्ट है बस एक चीज़ डिफरेंट होती है वो ये डिफरेंट होता है कि आपको है ना हर ब्रोकर के हिसाब से सिम्बल डालने होते अगर मैं एंजल ब्रोकिंग की बात करूँ तो एंजल ब्रोकिंग में मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि एंजल ब्रोकिंग आपसे सिंबल भी मांगता है और स्टीमेंट टोकन भी मांगता है बट अगर मैं एलिस ब्लू की बात करूँ तो ये आपसे खाली इंस्ट्रूमेंट टोकन मांगता है अगर मैं जरोधा की बात करूँ तो ओनली सिंबल मांगता है तो ऐसे कई ब्रोकर है जो सिंबल मांगते हैं कई ब्रोकर है इंस्ट्रोमेंट टोकन मांगते हैं और कई ब्रोकर जैसे कि कोटेक्ट है वो तो उसका इंस्ट्रूमेंट टोकन ही टोटली डिफरेंट है तो वो अलग ही इंस्ट्रूमेंट टोकन मांगता है यूनिक आईडी नाम से बना रखा उन्होंने वो मांगता है ऑर्डर लगाने के लिए तो डिपेंड आपके ब्रोकर पे करता है तो अब हम बात करते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से एक लिस्ट बना रखी है ये लिस्ट आपको जेसन में बनानी होती है ये कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ ये रहा तो ये देखो मैंने एलेक्स ब्लू का एक कोड बना रखा है इसके अंदर आपको करना क्या है बस आपको है ना यहाँ से ले कर यहाँ तक कॉपी कर लेना है और उसके बाद आपको है ना ये एक बार मैं हटा देता हूँ जैसे आपको यहाँ से लेके कर यहाँ तक कॉपी कर लेना है पहले मैं आपको है ना ये हटा के दिखा देता हूँ ये मैंने हटाया आपको क्या करना है आपको लास्ट का जो सेंटेक्स है कोमा के साथ कॉपी कर लेना कोमा से लेके यहाँ डबल कॉमा तक और उसके बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है पेस्ट करने के बाद अपना आप चार्टिंग का सिंबल डालोगे कि चार्टिंग आपके सिंबल को क्या कहता है एज एग्जाम्पल वो एक्स वाई जैड कहता है एक्स वाई जैड और आपका ब्रोकर उस सिंबल को क्या कहता है मेरा ब्रोकर उसे कहता है जीरो जीरो वन एज एग्जाम्पल के लिए मैंने डाल दिया तो इस तरीके से आप है ना इसको मल्टी लिस्ट बना सकते हो जितनी बड़ी लिस्ट बनानी है आपको पर बनानी आपको पड़ेगी अब आप पूछोगे कि भाई साहब हम ये जो एस बी आई है इसे एलिस ब्लू थ्री जीरो फोर फाइव कहता है तीस पैंतालीस कहता है ये कैसे हमें पता चलेगा तो इसके लिए हमने है ना ये लिस्ट बना रखी है मैं आपको दिखा देता हूँ या आप जाओगे सिम्बल पर तो सिम्बल पर जाने के बाद आप देखोगे यहाँ एलिस ब्लू के सिंबल है अलग अलग ब्रोकर के अलग अलग हिसाब से सिंबल है तो एलिस ब्लू पे जब ऐप से आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ डालोगे एस बी आई एन तो जैसे एस बी आई एन डालोगे तो मैं आपको ये शॉर्ट करके दिखा देता हूँ हाँ शॉर्ट कर रहा तो एस बी आई एन देखो एस बी आई एन है और इसको कोड को क्या कह रहा है इंस्ट्रूमेंट टोकन को तीस पैंतालीस कह रहा है एल ब्लू अगर जुरोधा की बात करें तो एस बी आई को एस बी आई ही कहता है जो चार्टिंग कहता है वही जुरोद्धा कहता है तो कई ब्रोकर ऐसे हैं मेरे ख्याल से आपका आप स्टॉक भी ऐसे ही है जो चार्टिंग कॉल करता है सिंबल को वही आप स्टॉक भी कॉल करता है तो डिपेंड टू ब्रोकर है अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना अगर आप फिर वहां आप अपना क्वेरी लिखोगे तो आपको थोड़ी देर में रिप्लाई मिल जाएगा तो चलते हम इस पर हम यहाँ इस पेज पे थे चार्टिंग एल्गो पे तो आपको यहाँ वॉच लिस्ट बनानी है तो जैसे मैंने बना रखी थी मैं इसको ऐड कर देता हूँ मैं आपके सामने बस आपको इसे कॉपी करना है इसे जेसन कोड कहते हैं मैंने इसे कॉपी करा ऐड करा इसे डिलीट मार देना पुराने वाले को नए वाले को डाल देना जो भी आप डालना चाहते हो ये देखो लिस्ट आ गई अब इसके अंदर लिखा है कि एस कहता है चार्टिंग को चार्टिंग एस कॉल करता है एंड ब्रोकर हमारा ये कॉल करता है तीस ऐसे आई आईओसी चार्टिंग कॉल करता है एंड इसे ये कहता है सोलह चौबीस तो इस तरीके से आपको एक वॉस लिस्ट बनानी है उसके बाद आते हैं सेंटेक्स पे आपको आप सेंटेक्स बनाने की आप करना क्या चाहते हो तो मैं आपको बता दूं बाय और सेल का सेंटेक्स तो आप एक ही में बना सकते हो ये ऑटोमेटिक हो जाता है एंड एग्जिट करने के लिए आप है ना एग्जिट का सेंटेक्स डाल सकते हो पहले क्या था हमने पहले ये अपडेट दिया था कि आप एक ही चीज को एक्टिवेट कर पाते थे मतलब अगर आप बाय सेल एक्टिवेट करोगे तो दूसरे जो कॉलम है उनको एक्टिवेट नहीं कर पाओगे सेंटेक्स को एक्टिवेट नहीं कर पाओगे इस तरीके से डीएक्टिवेट रहेंगे तो जो भी आपका चार्टिंग से रिस्पॉन्स आएगा वो ऑर्डर इसी में लगेगा दूसरे में लग ही नहीं पाएगा बट अभी ये मैंने अपडेट दिया जब भी मैं वीडियो बना रहा हूं कि आप इसके अंदर चार पांच सेंटेक्स ऐड कर सकते हो एंड पर्टिकुलर आप ये भी सोच सकते हो कि मेरे को किसको चलाना है इस स्कैनर पे मेरे को कौन सा सेंटेक्स चलाना है तो मैं आज आपको है ना बाय सेल और एग्जिट पोजिशन करके दिखाऊंगा एज अ डेमो के तौर पर एंड फिर आप देखना कैसे होता है तो मैं अभी के लिए इसे डिलीट कर देता हूँ आपके सामने जिससे मैं आपको दिखा सकूँ तो सबसे पहले तो हम चलते हैं चार्टिंग पे चार्टिंग पे जाने के बाद जैसे मैंने बोला चार्टिंग की मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है आपको नॉलेज होनी चाहिए तो चार्टिंग पे हम चलते हैं रियल ए, रियल टाइम अलर्ट्स पे तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं मैंने एक वॉच लिस्ट बना रखी है इस वॉच लिस्ट पे क्लिक करूंगा तो पांच स्टॉक की मैंने वॉच लिस्ट बना रखी है एज ए एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो उसके बाद अगर मैं बैक जाता हूँ तो मैंने है ना तीन स्कैनर बना रखे हैं पहला है मेरा बाय कंडीशन स्कैनर जिसके अंदर मैंने बोला जो मेरी वॉच लिस्ट है लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन 200 मतलब जिसका प्राइस जिसका क्लोज जो लेटेस्ट क्लोज है अगर दो सौ से ज़्यादा है मतलब कि दो सौ से ज़्यादा है 200 पॉइंट से ज़्यादा है तो वो स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में आ जाए ऐसे मैंने लेस देन की बना रखी है और एग्जिट के लिए मैंने ऐसी उल्टी सीधी कंडीशन बना दी मेरे को तो इसका मतलब भी नहीं पता कि करेगी क्या फिर भी मैंने बना दिया कि मैं आपको एग्जिट के लिए दिखा दूँ काफ़ी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हमें एग्जिट भी करना है तो एग्जिट की कंडीशन उनके पास होती है स्कैनर होता है तो ऐसे में एग्जिट की भी बना दी तो मैंने इधर लिखा है बाय कंडीशन सेल कंडीशन एंड एग्जिट कंडीशन आपको तीन कंडीशन बनानी अब आ जाते हैं अलर्ट्स पर तो हम पहले क्या करेंगे हम बाय कंडीशन पर क्लिक करेंगे तो ये स्कैनर आ गया अगर मैं इससे स्कैन करता हूँ तो बाई कंडीशन में, में मेरे तीन स्टॉक आ रहे हैं पाँच में से ठीक है जी अब हम करेंगे क्रिएट अलर्ट्स क्रेडिट अलर्ट्स में जाके आपको एक चीज का ध्यान रखना है जो आपका बाय अलर्ट्स होगा उसके अंदर आपको कैपिटल में लिखना है बाय मतलब जो बाय स्कैनर होगा उसमें बाय लिखना है इस चीज का आपको ध्यान रखना है उसके बाद टाइम अपने हिसाब से सेट कर लेना मैं वन टी वन मिनट कर रहा हूँ ये चीज़ें अपने हिसाब से सेट कर लेना ये मैं डेस्कटॉप कर रहा हूँ आप अपने हिसाब से करोगे अब यूनिक और डुप्लीकेट का मतलब ये है कि यूनिक में एक बार जो स्कैनर में आ गया दोबारा नहीं आएगा तो मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को ज़रूरत पड़ेगी आप अपने हिसाब से करोगे अब यहाँ पर आप डालोगे अपना वैबो क्यू आर एल जो अभी मैं थोड़ी देर में आपको डाल के दिखाऊंगा तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ अभी के लिए मैं यही डाल देता हूँ बाकी अभी आपको दिखा दूंगा आपका वैभो क्यू आर एल क्या होता है मैं इसे सेव कर देता हूँ तो ये मेरा एक अलर्ट्स बने अगर मैं है ना अपने अलर्ट्स में जाऊंगा दिखा देता हूं आपको अलर्ट्स में गया ये एक्टिवेट भी हो गया होगा इसे डीएक्टिवेट कर देता हूं तो मेरी बाय कंडीशन बन गई ऐसे दोबारा जाता हूं मैं स्कैन में अब सेल कंडीशन ले लेता हूं एंड क्रिएट अलर्ट्स करता हूं फिर से वही करूंगा मैं इधर इधर जो लिखना है अब सेल है तो सेली लिखना है ये सेल स्कैनर ध्यान रखना मैं आपको एक चीज बता दूं अगर आपका अलर्ट्स नेम बाय होगा तो हम बाय करवाएंगे अगर आपका अलर्ट्स नेम सेल होगा तो हम सेल करवाएंगे इस चीज का ध्यान रखना इसलिए इधर कैपिटल में बाय एंड सेली लिखना है आपको एग्जिट के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो अभी बता दूंगा मैं पर इसके लिए बाय एंड सेली लिखना है तो फिर से मैं एक कंडीशन बना देता हूँ कि एवरी वन मिनट चले एंड ये डेस्कटॉप कर देता हूँ क्योंकि मेरा मेल बॉक्स भर जाएगा डुप्लीकेट कर देता हूँ इधर अभी हम अपना यू आर एल डालेंगे आपका एक ख़ुद का वैबुक यू आर एल वो डालोगे जब भी ऑर्डर लगेंगे मैं अभी एक्जाम्पल के लिए डाल रहा हूँ सेव अर्ट्स कर देता हूँ एंड अलर्ट्स में जाके इसे डीएक्टिवेट कर देता हूँ नहीं तो ये भी अलर्ट्स देता रहेगा दो अलर्ट्स बन गए मेरे अब तीसरा भी बना देता हूँ मैं स्कैन करके स्कैन पे गया एंड ये अलर्ट्स कंडीशन है इस पर क्लिक करा तो ये कंडीशन क्या है मुझे खुद नहीं पता जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अभी तो कोई स्टॉक नहीं आ रहा इससे पहले एक स्टॉक आ रहा था तो चलो मैं क्या करता हूँ आप एग्जिट के लिए कोई भी कंडीशन बना सकते हो जो आपके स्कैनर पर है मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है मैं इसके अंदर भी है ना ग्रेटर देन बना देता हूँ ग्रेटर देन एंड इक्वल एंड इधर डाल देता हूँ नंबर क्योंकि मुझे आ, मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे को ज़्यादा नहीं पता नंबर डाल देता हूँ नंबर ये नंबर में आ नहीं रहा तो मैं इधर से देखता हूँ इधर से आएगा क्या नंबर में नहीं हाँ इधर से आएगा आई थिंक नंबर एंड इसे ट्वेंटी कर देता हूँ इसके अंदर फिर मेरे पाँचों स्टॉक आ जाएंगे मैं इधर है ना टू हंड्रेड कर देता हूँ थ्री हंड्रेड कर देता हूँ सॉरी टू हंड्रेड ही कर देता हूँ ये रन करा मैंने तो ये देखिए मेरे तीन स्टॉक आ गए इसे मैं सेव कर देता हूँ पहले सेव कर दिया एंड सेव करने के बाद फिर से मैं स्कैन पर गया एंड मैं इसको सेव करने के बाद अच्छा मेरे सेव करने के बाद ये वॉच लिस्ट उधर चलेगी इसे डिलीट मार देता हूँ ये जो मैंने लेटेस्ट सेव करा वो यही है सेम कंडीशन बना दी मैंने बाय की और एग्जिट की आप अपने स्कैनर के अकॉर्डिंग बना सकते हो मुझे नहीं पता आप एग्जिट करने के लिए क्या बनाओगे ना मेरे पास कोई स्कैनर है जो मेरे को बताए कि हाँ एग्जिट कैसे करना होता है तो मैं इस पर क्या करता हूं एग्जिट कंडीशन पे क्लिक करता हूं अलर्ट्स क्रिएट करता हूं सेम वही करूंगा अब इसके अंदर ध्यान रखना कि इसके अंदर पहले तो आप लिखोगे ए टू जेड कुछ भी लिख दो आपका जो मन करे जैसे मैं इसका लिख देता हूं एग्जिट आप लिख दो अपना नाम कुछ भी पर उसके बाद आपको कॉलन डालना है कोलन डालने के बाद ये कोलन डाला उसके बाद आपको इधर अपना एक आई नंबर डालना है कि आपका इस कंडीशन पे कौन सा अलर्ट चलेगा मतलब कौन सा सेंटेक्स चलेगा अभी मैं डाल के दिखाऊंगा उससे पहले मैं अब चलते हैं सेंटेक्स पे इधर गए इधर आने के बाद हम चलते हैं पहले डैशबोर्ड पे चलते हैं डैशबोर्ड पे जाएंगे टूल एंड फीचर पे जाएंगे जनरेट सेंटेक्स पे जाएंगे एंड एलेक्स ब्लू के अकॉर्डिंग सेंटेस जनरेट करेंगे अब यहाँ पर काफी सारे सेंटेक्स से कवर ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर कैंसल एग्जिट अल्टरनेटिव वगैरह वगैरह धीरे धीरे आपको पता चलेगा तो आपको सबसे पहले क्या करना फुल्ली एल्गो क्रिएट कर लेना अगर आप ये चाहते हो कि अगर आपकी पुरानी पोजिशन क्लोज हो और नई पोजिशन एड हो मतलब प्रीवियस क्लोज हो एंड न्यू एड हो तो आप फुल्ली एल्गो लोगे इसका मतलब होता है ओल्ड पोजिशन अगर हमारे पास है तो कट जाएगी और नई पोजिशन डल जाएगी तो मैं रेगुलर ले, ले लेता हूँ इंस्ट्रूमेंट टोकन के अंदर आपको सी लिखना है सी का मतलब होता है कैपिटल में लिख दोगे सीटी अगर आप लिखोगे भी नहीं ना जब भी चलेगा बट मैं आपको बता रहा हूँ कि सी का मतलब है पहले मैंने ये फीचर ऐड करा था सी का मतलब है कस्टम ट्रेडिंग सिंबल क्योंकि कस्टम होंगे हमारे पास कस्टम आएंगे तो आपको सी लिखना है एन एस सी कर देते हैं क्वांटिटी अभी हम वन कर देते हैं ये भी आप है ना अभी मैं जो सेंटिक्स डाल रहा हूँ वन क्वान्टिटी के अकॉर्डिंग डाल रहा हूँ आप चाहो तो अलग अलग क्वांटिटी के अलग अलग शेयर डाल सकते हो कि भाई इस शेयर के अंदर इतनी क्वांटिटी जाए इसमें इतनी जाए पर आप चाहते हो सब में सेम जाए तो आप जो क्वान्टिटी आपने यहाँ डिसाइड करी वो सब में चली जाएगी अभी इसके बारे में भी मैं बता दूंगा थोड़ी सी लेंथी वीडियो होने वाली है एंड बाय सेलेक्ट करते एंड मार्केट करते इंट्राडे करते एंड जनरेट कर देते ये मेरा फुल्ली एलगो एक सेंटेक्स जनरेट हो गया जिसमें मैंने बोला पुरानी पोजीशन क्लोज हो और नई पोजीशन डले अभी इसमें मैंने बाय लिखा है इस चीज को हमें चेंज करना पड़ेगा पहले मैं कॉपी कर लूँ चार्टिंग पे चलता हूं एड एड सेंटेक्स करता हूँ चार्टिंग का मतलब मेरे डैशबोर्ड जो चार्टिंग का मैंने है इस सेंटेक्स को डाल देता हूं तो जैसे आपको पता है सिंबल के बदले तो हमने क्या डाल दिया था सिंबल के हमने डाल दिया था सी टी एस जिससे ये होगा कस्टम ट्रेडिंग सिंबल जो भी हमारे स्कैनर में आएंगे एंड हम बाय के बदले जहां भी बाय लिखा होगा वहां लिख देंगे ऑटो अगर नहीं भी लिखोगे जब भी चलेगा बट ऑटो लिखने से क्या होगा जो भी आपका बाय है या सेल है ऑटोमेटिक इसके अंदर डल जाएगा अगर बाय स्कैनर से आया तो बाय डल जाएगा सेल से आया तो सेल डल जाएगा आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि मेरा बाय चले या सेल चले पर आप चाहते हो कि भाई मेरा है ना बाय का अलग बनाना चाहता हूँ सेल का अलग बनाना चाहता हूँ तो आप वो भी कर सकते हो फिर आपको वो करने की जरूरत नहीं है तो अभी मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूँ तो ये मेरा बाय सेल का एक सेंटेक्स बन गया इसे मैं एक्टिवेट कर देता हूँ अब चलता हूं मैं एक एग्जिट पोजीशन कि अगर मेरे पास कोई पोजीशन है वो एग्जिट हो जाए वो मैटर नहीं करता वो बाय हो या सेल हो एग्जिट हो जाए तो सपोज मानो मैंने एक टेक प्रॉफिट का स्कैनर बना रखा है या स्टॉप लॉस का स्कैनर बना रखा है मैं चाहता हूं जब भी वो स्कैन से लिस्ट भेजे इतने स्टॉक मेरे एग्जिट हो जाए जो जो स्टॉक उसके अंदर आए तो मैं क्या करूँगा मैं फिर से यहाँ पर जाऊँगा सेंटेक्स uh, पे और सेंटेक्स पे जाने के बाद मैं लूँगा एग्जिट ऑर्डर यहां पर मैं डालूंगा सी जैसे मैंने आपको बताया था कस्टम ट्रेडिंग सिंबल ये मैं चार्टिंग के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ ध्यान रखना इस चीज को एन कर दूंगा क्योंकि एन के क्वांटिटी ऑप्शनल है ये आपको डालने की जरूरत नहीं ट्रांजैक्शन टाइप ऑप्शनल है आपको डालने की जरूरत नहीं है प्रोडक्ट टाइप ऑप्शनल है बट आप इसे डाल देना इंट्राडे कर देते हैं क्योंकि मैं इंट्रा में ही काम कर रहा हूँ अगर आप सी में काम कर रहे हो सी कर दो मैं इंट्रा कर रहा हूँ कि भाई मेरे इंट्राडे की ही पोजिशन एग्जिट अगर नहीं डालते तो जब भी चलेगा मेरे ख्याल से पर आप डाल दे रहे सही रहेगा आपके लिए तो मैंने ये कर दिया इसे कॉपी करा और कॉपी करने के बाद मैं चार्टिंग डैशबोर्ड पे आया और मैंने ये वाला सेंटेक्स भी डाल दिया ये ओके करता हूं अब मेरे ये दो सेंटेक्स ऐड हो गए ये ऐड नहीं हुआ एक बार चेक कर लेता हूं क्यों ऐड नहीं हुआ लोड ले रहा है वेट करते हम फिर से डाल के देख लेते हैं ये ऐड क्यों नहीं हुआ पता नहीं चला मेरे को हाँ जी ये ऐड हो गया तो थोड़ा सा लोड ले रहा था पता नहीं किस वजह से लोड ले रहा था इस चीज को मैं फिक्स कर दूंगा पर ये ऐड हो गया दो सेंटेक्स अब मैं इसे भी एक्टिवेट कर देता हूं ये दो बार ऐड हो गया ये देख सकते हो तो पहले भी जो हमने ऐड करा था ऐड नहीं हो रहा था वो ऐड हो गया अब मैं आपको बताऊं दो आ, मैंने हटा दिया एक को तो अभी हमारे पास बाय सेल के लिए तो ये है और एग्जिट के लिए ये है कि भाई जो भी मेरी पोजिशन हो एग्जिट हो जाए वहां से स्कैनर में तो पहले क्या था हम दो सेंटेक्स को एक्टिवेट नहीं कर पाते थे या तीन को एक्टिवेट नहीं कर पाते थे ओनली वन कर पाते थे तो ये फीचर ये अपडेट मैंने नया दिया है क्योंकि काफी यूजर कह रहे थे कि हम है ना बाय सेल के लिए तो एक चलाते हैं एक स्कैनर और दूसरा हम दूसरे के लिए चलाना चाहते हैं तो हम डबल डबल तरीके से काम करते तो उनके लिए मैंने ये फीचर ऐड करा है कि आप मल्टी एक्टिवेट कर सकते हो पर अब इस चीज़ का ध्यान रखना जिस चीज़ को आपको चलाना हो जिस स्कैनर के लिए उसकी एक आई होती है ये री तो पहले हमने बाय सेल का बनाया था डिफॉल्ट में बाय सेल ही उठाएगा क्योंकि उसको है ना कोई आईडी नहीं मिली पर जिसकी आईडी मिलेगी उसमें वो उठाएगा तो एग्जिट के लिए हम ये उठाएंगे कॉपी करेंगे कंडीशन पे जाएंगे तो जो मैंने बताया था एग्जिट डाल के आपको कॉलम डालना है उसके बाद आईडी डी डाल देंगे आई का मतलब है कि भाई जब मेरा ये स्कैनर चले तो मेरी ये वाली कंडीशन चलेगी और मेरे जितने भी स्कैन में स्टॉक आएंगे वो एग्जिट हो जाएंगे तो मैं ये कर देता हूँ ओनली वन कर देता हूँ एंड डेस्कटॉप कर देता हूँ डुप्लीकेट कर देता हूँ यहाँ हमें चार्टिंग का वेबबुक डालना है तो अभी मैं बता दूंगा ये कहाँ से तीनों में मैंने अभी ऐसे ही इनका ही यू आर एल डाल दिया तो अगर आप देखोगे तो मैं इधर चलता हूँ एंड अलर्ट्स पे चलता हूँ तो तीन अलर्ट्स मेरे पास एक्टिवेट हैं और तीनों के अंदर मैंने गलत वेबुक डाल रखा है ठीक है जी तो मेरी ये तीनों कंडीशन बन गई अब मैं चलता हूँ अपने एल ब्लू अकाउंट पर और ये मैंने लॉग इन कर रखा है ये मेरा अकाउंट नहीं है मेरे फ्रेंड का अकाउंट है तो मैं इसको लॉग इन करके दिखा दिया मैंने आपको ये लॉग इन है और कोई भी ऑर्डर नहीं है तो मैं आपको लाइव ऑर्डर दिखाऊंगा फंड है नहीं इसके अंदर तो रिजेक्ट होंगे ऑर्डर अगर फंड होता तो जैसे मैंने बताया ना हमने फुल्ली एल्गो लगा रखा कि कोई पोजिशन होती तो पुरानी क्लोज हो जाती नहीं दिल जाती ऑटोमेटिक तो अभी हम तीनों चलाएंगे उससे पहले चलते हैं हम अपने डैशबोर्ड पे जो नेक्स्ट लेवल बोर्ड का डैशबोर्ड है इधर खोल लेता हूँ आपके आगे यहीं खोल लेता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं है इसे हटा देता हूँ एंड इसकी भी ज़रूरत नहीं है इसे हटा देता हूँ हाँ तो ये रहा हमारा डैशबोर्ड बोर्ड यहाँ पर आपका चार्टिंग वैबुक है अगर आप चार्टिंग से वो ऑर्डर लगाना चाहते हो तो आप इसका यूज़ करोगे अगर आप ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करते हो तो सिक्वेंस यूज़ करोगे तो मैं चार्टिंग का कॉपी कर लेता हूँ क्लिक करते ही कॉपी हो जाता है चार्टिंग डैशबोर्ड पे जाता हूँ अब एक एक करके मैंने तीनों में गलत वैबुक डाल रखे हैं आपके सामने एक एक करके तीनों में डाल देते तो हम इस पर जाएंगे इस पर जाने के बाद नहीं इस पर नहीं जाना पड़ेगा हमें कंडीशन पे जाना पड़ेगा कंडीशन पे गए एंड मॉडिफाई करेंगे क्योंकि हमने वेबुक नहीं डाला था वेबुक डाला यानी इसे सेव कर दिया सेव करने के बाद एक बार चेक कर लेते ये एक्टिवेट तो नहीं हुआ तो देख लेते हैं ये एक्टिवेट हो जाता डालते के साथ ही इसलिए मैंने अभी बंद कर दिया फिर से हम इसे क्लिक करता हूँ और मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ इसके अंदर वेबुक डालता हूँ सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद जाता हूँ अलर्ट्स चेक करता हूँ एक्टिवेट हो गया इसे भी बंद कर देता हूँ एंड फिर से एग्जिट वाले को करता हूँ एंड मॉडिफाई करता हूँ इसके अंदर भी वेबुक डाल देता हूँ सेव करता हूँ एंड अलर्ट चेक कर लेता हूँ ये भी एक्टिवेट हो गया होगा इसे भी बंद कर देते हैं तो अभी के लिए हमने है ना तीन कंडीशन बना दी है और हमारा पूरा पैटर्न तैयार है कि हाँ हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स आएगा अच्छा जो भी रिस्पॉन्स आएगा आपको टाइम के साथ यहाँ पर दिखेगा पर ये रिफ्रेश करने पे ही दिखेगा पेज को अदरवाइज ये आपका ऐसे का ऐसा रहेगा पहले मैंने ऑटो रिफ्रेश लगा रखा था उसकी वजह से लोडिंग हो रही थी तो इसे मैंने बंद कर दिया तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है तो इधर आप चार पाँच सेंटेक्स एड कर सकते हो और उसकी आई डाल के पर्टिकुलर उस स्कैनर पर वही चलेगा ठीक है जी तो अभी के लिए क्या है कि ये कल के हैं अगर आप देखोगे तो नहीं कल के नहीं आज के ये टेस्टिंग के तौर पे चलाए होंगे तो ये मैंने चार्टिंग का अकाउंट किसी को दे रखा है तो उन्होंने चलाए होंगे और मैंने अपना अकाउंट भी दे रखा है तो उन्होंने टेस्टिंग के लिए चलाए होंगे तो अभी की बात करते हैं कि अभी के पास हमारे पास जो आप देखोगे तेरह बज के फिफ्टी एट मिनट मतलब इसके बाद कोई ऑर्डर नहीं आया तो अभी क्या टाइम चल रहा है अभी चल रहा है दो बज के तीस मिनट हो रहे हैं तो जो भी अब ऑर्डर आएंगे दो बज के तीस मिनट पर आएंगे जैसे मैं अलर्ट्स एक्टिवेट करूँगा वहाँ से हमारे पास एक स्कैनर में से स्कैन करके कुछ सेंटेक्स आएंगे और उन पर ऑर्डर लग जाएंगे ऑटोमेटिक अच्छा अभी जो ऑर्डर लगेंगे ना विथ इन वन क्वांटिटी लगेंगे क्योंकि हमने क्वांटिटी वन डाल रखा है पर आप चाहते हो कि भाई मेरे को डिफरेंट क्वांटिटी चाहिए तो आपको यहाँ पर कुछ एडिट uh, करना होता है वो मैं अभी लास्ट में बताऊंगा आपको पहले हम वन क्वांटिटी तो वन क्वांटिटी से जितने भी आएंगे सब में वन क्वांटिटी के ऑर्डर जाएंगे जो भी वहाँ से स्कैन पे आएंगे और अलग अलग चाहते हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी बता दूंगा अभी मैं तो अब चलते हैं हम चार्टिंग पे और मैं है ना यहाँ पर बाय का एक्टिवेट कर देता हूँ ये मैंने बाय का एक्टिवेट करा अब जैसे मैंने बाइक एक्टिवेट कर आपको पता है मैंने जो कंडीशन लगाई है एवरी मिनट लगाई है तो एक मिनट बाद यहाँ पर एक अलर्ट्स आएगा जो कि मुझे रिफ्रेश करके अभी देखना पड़ेगा वैसे आपको ये साइट खोलने की जरूरत नहीं है चार्टिंग खोलने की जरूरत नहीं पीसी बंद कर सकते हो अगर आपने मॉर्निंग में आठ बजे के बाद कनेक्शन बना दिए जब भी वहाँ से ऑर्डर आएंगे ऑटोमेटिक लग जाएंगे बट मैं आपको एक लाइव डेमो दे रहा हूँ तो मेरे को दिखाना पड़ रहा है तो और मेरे को रिफ्रेश करना पड़ रहा है कि जिससे मैं ज़्यादा ऑर्डर ना आए मैं आपको दिखा सकूँ तो जैसे ही लास्ट ऑर्डर मैंने टाइम बताया आप देख सकते हो तो जैसे वहाँ से कोई कंडीशन आती है ये आई ये देखिए सबसे पहले तो मैं जाता हूँ इसे डीएक्टिवेट कर देता हूँ नहीं तो ये आती रहेगी और मेरे ऑर्डर बे मतलब में जाते रहेंगे और पूरी वीडियो ख़राब हो जाती है तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये आई दो बज के तीस मिनट पंद्रह सेकेंड पर मेरे पास एक रिस्पॉन्स आया और ऑर्डर देखोगे तो यहाँ पर दो ऑर्डर लग गए अब ये दो ऑर्डर क्यों लगे और एक चीज और बता दोनों ऑर्डर एक एक क्वांटिटी से लगे क्योंकि हमारा सेंटेक्स वन क्वांटिटी का था अभी हमने डायनामिक नहीं कर रखा कि अलग अलग क्वांटिटी डिफरेंट डिफरेंट लगे तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ऑर्डर लगा एस में एक ऑर्डर लगा एक्सिस बैंक में रिजेक्ट हो गया ऑर्डर फंड नहीं था अगर आप देखोगे तो ये कहेगा कि भाई आपके पास तो नाइन इतना फंड है इतने में ये कुछ मिलता विलता है नहीं ठीक है जी तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ तो ये दो स्टॉक लगे अब दो स्टॉक क्यों लगे मैं बता देता हूँ जो भी आपका वहां से रिस्पॉन्स आता है वो रिस्पॉन्स आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो तो यहां देखोगे कि चार्टिंग ने आपको एक पावर ग्राइड भेजा एक एक्सिस बैंक भेजा एक एसबीआई बट मेरी वॉच लिस्ट में तो एसबीआई और एक्सिस बैंक है पावर ग्राइड है ही नहीं यहां पर तो इसलिए इनने दो में लगाए अगर वो तीनों होते तो तीनों में लगा देता पर आप देखोगे कि इसके अंदर इनने आईसीओ पे ऑर्डर नहीं भेजा क्यों नहीं भेजा क्योंकि वहां से चार्टिंग ने ही भेजा आईसीओ स्कैन करके तो मैंने आईसीओ पे ऑर्डर ऑटोमेटिक नहीं लगा तो अभी आपको समझ हो गया होगा कि हाँ अब ये भी मैं आपको बता दू देखो जो हमने अलर्ट्स 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 नेम 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 दिया था ना ये देखोगे नेम। नेम पर बाय आया तो इसने बाय करा ऑटोमेटिक बाय करा मैं इसे बंद कर देता हूं अगर आप देखोगे तो कंडीशन में बाय लिखा है ऑटोमेटिक ही बाय करा सेल नहीं करा अब मैं आपके सामने सेल का एक्टिवेट करता हूं इधर गया अब मैं सेल का एक्टिवेट कर देता हूं अब देखना सेल की कंडीशन आएगी आपके सामने जैसे आप देख सकते हो लास्ट अलर्ट चौदह बज के तीस मिनट पर आया था मतलब ढाई बजे एंड टू थर्टी के आसपास एंड मैं अब रिफ्रेश करता हूँ थोड़ी देर में जैसे अलर्ट्स आएगा मैं उसको फिर डीएक्टिवेट करके आपको दिखा दूंगा डीएक्टिवेट करना अभी मेरी मजबूरी है नहीं तो अलर्ट्स आते रहेंगे देखो ये आया तो मैं पहले सबसे पहले डीएक्टिवेट करता हूँ इसे और यहाँ जाता हूँ तो यहाँ देखोगे कि मेरा एक ऑर्डर लगाए आई सी में ऑर्डर लगाए और ये भी रिजेक्ट हो गया एक क्वांटिटी से अब आप बोलोगे भाई सेल में एक क्वांटिटी पे क्यों सेल में एक सिंबल पे क्यों लगा तो फिर से मैं रिस्पांस दिखा देता हूं आपको रिस्पांस में जो आया इन्होंने भेजा मेरे पास एनटीपीसी और आईओसी एन मैंने ऐड ही नहीं कर रखा मैंने एज ए एग्जाम्पल के लिए चार स्टॉक लिस्ट ऐड कर रखी है आप चाहो तो इधर एक हज़ार दो हज़ार जितने ऐड करना चाहते हो उतने ही कर सकते हो इन फ्यूचर मैं इसका एक अल्टरनेटिव ढूंढ लूँगा मेरे को पता भी नहीं कि कौन से सिंबल क्या होते इन फ्यूचर थोड़ी थोड़ी नॉलेज जा आ जाएगी तो मैं ये सिम्बल लिस्ट भी हटा दूंगा ऑटोमेटिक होता रहेगा पर अभी के लिए आपको ऐसा ही करना पड़ेगा तो ये देखा एक स्टॉक में लग गया क्योंकि हमारे पास एन था नहीं आई था तो एक स्टॉक में लग गया तो इस तरीके से लग गया पर अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो जो भी मेरा अलर्ट्स आ रहा है ना वो बाय डिफॉल्ट इसमें चल रहा है क्योंकि इसके अंदर मैंने एक कंडीशन लगा रखी है जो मैंने हमने सिस्टम बना रखा है कि जो भी हमारा मतलब हम अगर आईडी नहीं भेजते तो जो हमारा लेटेस्ट है उसमें ही चले तो एक सिंबल के लिए तो आप बाय सेल चलाओगे बाकीों के लिए आपको आप आईडी डालनी पड़ेगी ये वाली आपने देखा अभी तक ये नहीं चला क्यों नहीं चला क्योंकि हमारे पास इसकी आईडी नहीं आ रही हमने डिफॉल्ट ये कर रह, जो पहले है उसको चला रहे तो अब क्या करते हैं कि मैंने एक एग्जिट बनाया था और इसके अंदर मैंने एग्जिट कॉलन ब्रैकेट इसकी आई डाली थी अब मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूँ आपके सामने एक्टिवेट करने के बाद अब ये कंडीशन चलेगी अब दिक्कत ये आएगी ये कंडीशन तो चलेगी पर आपको दिखेगी नहीं क्यों नहीं दिखेगी अभी दिखा देता हूँ मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ पहले ये इसलिए नहीं दिखेगी आपको क्योंकि मेरे पास अगर पोजिशन है जब भी तो उसे काटेगा वो अदरवाइज कैसे काटेगा चलो अभी देख लेते हैं तो अभी जैसे लास्ट अलर्ट्स आया था बत्तीस पे वेट करते हैं हम एक मिनट का जैसे अलर्ट्स आता है मैं आपको दिखाता हूँ तो अभी आया नहीं वेट करते हम थोड़ा सा जैसे आता है मैं आपको दिखाता हूं तो इसके अंदर हमने आई डी डाली है आई डी डाल दोगे तो वही चलेगा चलेगा उस स्कैनर के लिए पर्टिकुलर वही चलेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है तो आगे अपना नाम डालोगे और पीछे आईडी डाल दोगे अगर आपने बाय सेल का बनाया तो आगे आप बाय डालोगे कॉलम डालोगे और पीछे आईडी नंबर सेंटेक्स आईडी डाल दोगे उससे वो चलेगा धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा और भी वीडियो जैसे फ्री होता हूं मैं बनाऊंगा तो अभी तक है ना वहां से अलर्ट्स नहीं आया एंड ये रिफ़्रेश भी नहीं हो रहा एक मिनट देख लेता हूँ लास्ट जो आया था यहाँ आया था बत्तीस पे तो अभी हमें लगता है टाइम लग जाएगा अलर्ट्स आने में और मैंने कंडीशन सही बनाई है गलत बनाई है मुझे तो ये भी नहीं पता एंड लिखा हुआ आ रहा है एक बार इसे रिफ्रेश करते हैं हाँ आ तो गया एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर अभी तक मेरे पास नहीं आया ये मेरे पास नहीं हाँ ये आ गया काफ़ी लेट आया मेरे पास ठीक है जी अब मैं इसे बंद कर देता हूँ पहले तो तो ये जो है ये है ना इनकी तरफ से जितनी देर बाद आएगा कई बार मैंने नोटिस करा है कि दिखा तो देते हमने भेज दिया पर वैबुक आता नहीं हमें 200 सौ मिली सेकेंड लगते हैं एक, एक सेकेंड के अंदर हज़ार मिली सेकेंड होते हैं हम 200 सौ मिली सेकेंड सौ से 200 सौ मिली सेकेंड में कोई भी वेबुक से रिक्वेस्ट आती है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं सौ से 200 सौ मिली सेकेंड में उसके बाद हम ब्रोकर पर भेज देते हैं ब्रोकर पर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में ऑर्डर लगाए कई ब्रोकर दो से तीन सेकंड में लगा देते हैं कई बार ब्रोकर की साइड पर रस होता है तो पाँच से दस सेकंड लग जाते हैं डिपेंड टू ब्रोकर पर हम अपना ऑर्डर है ना तीन सौ मिली सेकेंड के अंदर भेज देते हैं मतलब एक सेकंड के अंदर हजार मिली सेकेंड होते हैं हम तीन सौ मिली सेकेंड दो सौ मिली सेकेंड में ब्रोकर तक भेज देते हैं उसके बाद जितना टाइम लगे वो हमें नहीं पता तो इनकी तरफ से आने का टाइम और हम हमारी तरफ से भेजने का टाइम उसके बाद ब्रोकर का टाइम ये होता है तो आप देख लेना धीरे धीरे आपको करते करते पता चलेगा तो अभी ये देखिए ये कंडीशन आई थी हमारे पास ये अलर्ट्स आया था अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर इन्हें मेरे को पावर ग्राइड भेजा एक्सिस बैंक भेजा एस भेजा एस मेरे पास था अगर हम इधर जाएंगे तो इधर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला देख लेते कुछ भी नहीं हुआ पहले की ट्रेड क्यों नहीं हुआ अगर मेरे पास एस की ट्रेड होती देन एग्जिट करता ये कॉन्सेप्ट जो एग्जिट पोजीशन है ये यही है कि अगर आपके पास पोजीशन है देन काटेगा रिवर्स करेगा अगर आपके पास पोजीशन ही नहीं तो नहीं काटेगा तो आई होप आपको पता चल गया होगा किस तरीके से काम कर रहा है अब आ जाते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे जो बहुत ज़्यादा डिमांड थी और पिछली वीडियो में मैंने वही बताया था और उसका ही अपडेट दिया था तो कॉन्सेप्ट ये था कि भाई मैं चाहता हूं कि भाई एस बी आई दस बाय करूं इसको मैं ग्यारह बाय करूं इसको मैं बारह बाय करूं मतलब अलग अलग क्वांटिटी चाहता हूं तो आपको क्या करना है जो आपने सेंटेक्स डाला है इसको कॉपी कर लेना है कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपना जहां भी आप एडिट करते हो मैं इसको नीचे कर देता हूं आपके सामने आपको क्या करना है आपको यहां स्लेस डाल के और उसके बाद आपको यहां पर क्वांटिटी डालनी है तो मैं क्या करता हूं मैं आपके सामने है ना क्या कहते हैं इसके अंदर क्या करता हूं सबके अंदर है ना स्लेस डाल देता हूं एक मिनट में आपके सामने करता हूं मैं इसे है ना मल्टी सिलेक्ट कर सिलेक्ट कर रहा हूं जिससे ये मैंने मल्टी सेलेक्ट करा एंड इधर स्लेस डाल दिया आपको सिंगल किन्नल करना है उसके बाद मैंने मल्टी सिलेक्ट सेलेक्ट करके टेन क्वांटिटी तीनों के अंदर डाल दिया अच्छा क्वांटिटी डालनी क्यों डालना है आपको क्यों कैपिटल में डालना है मैं डाल देता हूँ नहीं तो पता कैसे चलेगा क्वांटिटी है तो एक मिनट ये कैपिटल कैप लोग कानून कर रहा अच्छा क्वांटिटी डाल दी और टेन डाल दी तो अब इसके अंदर क्या हुआ इसके अंदर ये हुआ कि मेरी दस क्वांटिटी जाएगी एस के अंदर आई यू सी के अंदर जाएगी मेरी ग्यारह इसे ग्यारह कर देता हूँ जिससे आपको पता चले और एक्सिस बैंक के अंदर जाएगी मेरी बारह तो मैंने सबकी क्वांटिटी है ना डिसाइड कर दी लास्ट में डालनी है अकॉर्डिंग टू ब्रोकर मैंने एंजल ब्रोकिंग के अकॉर्डिंग लास्ट में बताया था और इसके अकॉर्डिंग इसके बता रहा हूँ स्लैस डाल के आपको क्वान्टिटी डालनी है जिसके अंदर आपने क्वांटिटी नहीं डाली होगी बाई डिफॉल्ट साइंटेक्स में जो वैल्यू होगी वही प्लेस हो जाएगी वही ऑटोमेटिक डाइनिंग प्लेस हो जाएगी तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद मैं इधर गया एंड इसको रिमूव करा मैंने एंड ऐड करा तो और सेव करा तो आप देखोगे अब सबके आगे ना स्लैश लग के क्वांटिटी लगा हुआ है आप देख भी सकते हो कि इसके अंदर कितनी क्वांटिटी जाएगी अब देखिए मेरे तीन ऑर्डर थे इधर आपने देखे थे एक एक क्वांटिटी के अब मैं इधर जाता हूँ चार्टिंग पे और बाय का आ, ये एक्टिवेट कर देता हूँ ये एक्टिवेट करा तो अब देखना जो बाय के अंदर अलर्ट्स आएंगे उसके हिसाब से मेरी क्वान्टिटी जाएगी तो वेट करते हैं हम इस पर आने का तो जैसे ही आता जैसे आपको पता लास्ट जो अलर्ट्स आया था हमारे पास लास्ट रिस्पॉन्स आया था जो चार्टिंग से वो चौदह बज के चौंतीस मिनट पर आया था एंड अब कब आता है? हम उसे देख लेते हैं एंड उसके हिसाब से चलेगा तो अभी वेट करते हैं और जैसे मैंने बताया क्वांटिटी डालनी है जो क्वांटिटी होगी वो चली जाएगी सपोज मानो आपने एक सिंबल एक्स वाई जेड उसमें क्वांटिटी नहीं डाली तो उस केस में होगा क्या कि ये आपकी ये वाली जो वैल्यू होगी ना इधर ये वाली वैल्यू उठा लेगा ऑटोमेटिक तो वेट चेक करते हैं अभी तक कोई अलर्ट्स नहीं आया और मुझे है ना चाटिंग की ज्यादा नॉलेज नहीं है हो सकता है कि यहाँ पर भी ये अलर्ट्स दिखाते हों पर मुझे कभी भी टाइम मैच नहीं दिखता ये टाइम कुछ और दिखाते हैं होता कुछ और है कभी कुछ और दिखाते हैं इसलिए मेरे को आइडिया नहीं लगता तो मैं अपना ही रिस्पॉन्स देखता हूँ ये देखिए एक रिस्पॉन्स आया पहले तो मैं इसे बंद कर देता हूँ इसे बंद करा एंड इस पर गया तो इधर देखोगे ये दो ऑर्डर दिखा रहा है पहले तीन हुए थे अब दो दिखा रहा है ये चार एल ब्लू भी अलग अलग तरीके करता है रिफ्रेश करने पड़ेंगे जब पांच ऑर्डर दिखाएगा दिखा दे पांच तो ये देखो इन्हें है ना एक्सिस बैंक के अंदर बारह क्वांटिटी लगाई और एसबीआई के अंदर दस क्वांटिटी लगाई ऑटोमेटिक खुद ही डिसाइड कर लिया क्योंकि हमने यहां पर क्वांटिटी डाला था एसबीआई के अंदर दस था एक्सिस के अंदर बारह था अब आप बोलोगे आईओसी के अंदर क्यों नहीं डाला क्यों भाई साहब इसने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया मतलब वहां से जो चार्टिंग से रिस्पॉन्स आया ना उसके अंदर आई था ही नहीं एक्सिस बैंक था एस था पावर ग्राइड था पावर ग्राइड हमने आईडी नहीं कर रखा तो आई होप आपको पता चल गया होगा ये किस तरीके से काम करता है फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और उसके अंदर आप अपनी क्वेरी टाइप करके सेंड कर देना देन अगर मैं फ्री हूँ तो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा तो अब आप देख लेना कैसे क्या करना है इसी तरीके से आप अलग अलग ब्रोकर के साथ कर सकते हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड और...